ये रोड इतनी जबरदस्त है ना, मेरे को तो रोड कम रनवे ज्यादा लग रहा है। वो कह रहे हैं विदाउट यहाँ पे अगर कोई लोकल नहीं जानता ना आपको तो सिम नहीं दे सकता। हमारे पास इंटरनेट की कमी हो रही है। ड्राइव करते हुए हो गए 5:15 हो गए हैं, 11:30 बजे ड्राइव चल रही है। करण नगर पहुंचे भाई, पंगा बढ़ गया। ये गाड़ी की कोई गलती नहीं। हेलो दोस्तों, हरे कृष्ण। तो कैसे आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे भाई। टाइम देखो, टाइम हो गया है 11 बज गए हैं। हम सोए थे 4:30 बजे सोए थे। तो यहाँ पे ये कुछ मिला है होटल में, बस मैं नहा नहीं रहा हूँ, जल्दी जल्दी बस ब्रश करके इनका शैम्पू उठा के। तो भाई ये शैम्पू है और ये ब्रश है, ब्रश करके हम निकलते हैं। क्योंकि जितनी जल्दी रोड क्रॉस हो सके ना, रास्ता कवर हो सके उतना बढ़िया, क्योंकि आगे आने वाले 4 टोल हो रहे हैं। तो हमने सीधा डायरेक्ट अभी पहुँचना है श्रीनगर। तो श्रीनगर तक का रास्ता कवर करते हैं। पहले मैं करके आता हूँ ब्रश, और ये रख लेते हैं हम अपने पास जेब में, क्योंकि अपने पास ब्रश और पेस्ट तो है, लेकिन ये वाला नहीं है। भाई ये क्या है, तो शुरू होती खत्म हो गया। चल कोई बात नहीं, समझ गया भाई। अब यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करते हुए बस निकलते हैं हम ब्रश करने के बाद। तो भाई मैं हो गया हूँ रेडी, बस अभी ब्रश करके आया। और रूम टूर तो क्या देना आपको, छोटा सा रूम है, बाहर से दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखो, ओ भाई बढ़िया हो गया यार, धूप आ रखी है। ये घर ही घर है यहाँ पे, पता नहीं होटल होंगे घर होंगे पता नहीं यार। ठीक है, अभी मैं गया नहीं हूँ बाहर, ये ऐसा कुछ बंद है। तो बस चलो निकलते हैं यहाँ से। आहा भाई धूप आ रखी है बढ़िया, ये चीज़ तो चाहिए थी आज, आज बनाएंगे व्लॉग बढ़िया। ये देखो भाई होटल का नाम ये है चाणक्या होटल है, काफ़ी बड़ा होटल है और आपको दिखाई नहीं, हम इसके 100 मीटर अंदर आए थे। यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं आपको, यहाँ से अंदर आए थे 100 मीटर, अभी बाहर जाके फिर लेफ्ट हो जाना है हमने श्रीनगर के लिए। धूप आ रखी है बहुत, कैडी खतरनाक बढ़िया। छोड़े से ना छूटेंगे कभी आदते, ये नहीं आदते, तुम जो आए हो लाए हो दिल में रहते। आदते आदते, ये नहीं आदते, तुम जो आए हो। अभी हम रुक गए हैं ढाबे पे कुछ खाने के लिए। यार यहाँ पे धूप इतनी है लेकिन ठंड फिर भी लग रही है। भाई जिस सभी होटल में हम रुके हैं ना, मतलब होटल नहीं ढाबे पे, उसके साथ ही वो देखो दिख रहा है आपको, प्योर नॉन वेज वाला ढाबा है और ये प्योर वेज ढाबा है। हमने आते ही पूछा भाई प्योर वेज है ना, कह रहा भैया नॉन वेज आम खाते हैं ना खिलाते हैं। मैं भाई टक्करा काउंटर पड़ता होगा दोनों का रोज, और वहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे बंदे आ रहे हैं, मतलब आना जाना लगा हुआ है। राजमा में तो अनियन गार लिया है भैया कह रहे हैं, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से येलो दाल बनाऊंगा ज़बरदस्त, वैसे टेस्ट बढ़िया आ रहा है ना खाने का। खाते हैं परांठे की दाल, परांठा भी भाई मेरे मुँह से बड़ा है भाई, स्पेशल धोखे लेके आए भाई, भाई कह रहे येलो दाल बनाएंगे बढ़िया भाई, बड़ी प्यारी फोटो लग रही है दोनों। मेरा दिल नहीं था खाने का, लेकिन भैया ने बोल बोल के ना दिल करवा दिया, और ऊपर से भैया ने बोला इतनी ज़बरदस्त बताऊँगा दाल ना, पूरी सिरा बनी हुई है। चलो भाई अपना खाना पीना हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से, सफर बहुत लंबा है। तुझसे मिलके फिर से खिलके ये दिल जरा लग गया है अब काम से, अब नहीं सी है उम्मीद जगी, छोड़े से हम श्रीनगर से थोड़ी सी पीछे हैं, थोड़ी क्या मतलब 1-1.5 घंटे के रास्ते के पीछे हैं, जाम लगा हुआ है। रोक के भाई मैं क्या थोड़े से टांगे टूंगे सीधी कर लें, बैठ के सुन से हो गए थे। रुका हूँ अभी श्रीनगर से पीछे ही है, 40 किलोमीटर पीछे रुके हैं। ये रोड इतनी ज़बरदस्त है ना, मेरे को तो रोड कम रनवे ज़्यादा लग रहा है। मैं नीचे नहीं उतरा क्योंकि मैंने शूज़ उतार के आराम से लेटा हुआ था गाड़ी में। तो बस ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से आगे श्रीनगर जाते हैं। यार मेरे को ना अच्छा व्यू देखना है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू आए हैं, लग नहीं रहा ये पहाड़ है, हम पहाड़ पे हैं इस वक्त, इतना ज़्यादा प्लेन रोड है ना, इतना यार मतलब ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है, हरियाली हो रखी है, खेती के ना तुम जो आए।
दिल है यार किसी तरह ना लद्दाख खुलाओ। श्रीनगर से आगे 9 घंटे का रास्ता है, 9-10 घंटे का रास्ता। अगर किसी ने बता दिया हमें कि भाई खुला हुआ है, मौके का फायदा उठा के फटाफट निकल जाएंगे लद्दाख के लिए। तो चलो चलते हैं, लेट तो हो जाएंगे भाई हम तो। छूटेंगी कभी आदते ये नहीं आदते तुम जो आए हो। हम पहुंच गए हैं श्रीनगर, बहुत अच्छी जगह है श्रीनगर, लेकिन जाम बहुत है अभी, बहुत भीड़ लगी हुई है। तो श्रीनगर वगैरह आके एक्सप्लोर करेंगे, अगर हमें मिल गया लद्दाख खुला हुआ तो हम अंदर घुस जाएंगे। इसी चक्कर में हम जा रहे हैं सोनमर्ग। ड्राइव करते हुए हो गए 5:15 हो गए हैं, 11:30 बजे ड्राइव चल रही है। दिल बेठिकाना था, तुझ तक ही आना था रास्ता। लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां। अब नहीं सी है उम्मीदें जगी। दो ब्रेड है, दो ब्रेड और एक मक्खन, दो दूध भाई ये ले रहे हैं यहाँ से श्रीनगर से, और आगे निकलते हैं क्योंकि जहाँ भी रुकेंगे चाय वगैरह बनानी, दूध वगैरह पीना इजी हो जाएगा। साथ साथ में ना यार मैं सिम भी पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इंटरनेट की कमी हो रही है। सिम पूछना है, डोंगल पूछना है कि हमारा इंटरनेट चल जाए, यहाँ पे है ही नहीं कहीं, बोल रहे आगे मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। देखा करते थे पर हम डरते थे प्यार के नाम से और अनजान से। तुझसे मिलके ये फिर से खिल के ये दिल जरा लग गया है अब काम से। अब नहीं सी यार मैं एक और जगह पे रुका था, इन्होंने अभी बताया सिम लेने के लिए यहाँ पे सिम भी है प्रोवाइड है और जो राउटर है वो भी है, लेकिन दिक्कत ये पड़ रही है वो कह रहे हैं विदाउट यहाँ पे अगर कोई लोकल नहीं जानता ना आपको तो सिम नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। इन्होंने एक और दुकान बताई है, कह रहे वहाँ पे चले जाओ वहाँ पे हो सकता है मिल जाए, 2-3 किलोमीटर पीछे है। अब देखो पंगा क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ना 2 पोस्टपेड सिम है, अगर हमें एक राउटर भी मिल जाएगा ना तो हम राउटर में डाल के आराम से इजीली सारे फ़ोन कनेक्ट कर लेंगे। अगर मेरे को वीडियो भी अपलोड करनी है यार बड़ी दिक्कत आ जाती है, होटल लेना पड़ता है उसके बाद वाईफाई से वीडियो अपलोड होती है। तो चलो देखते हैं क्या हो सकता है, पंगा तो फंसा ही हुआ है और यहाँ पे जाम बहुत है, गाड़ी पीछे लेके जाना भी ना एक टास्क है यार। भाई अभी डिसाइड ये हुआ है कि गाड़ी अपना यहीं पे खड़ी रखेंगे क्योंकि यार फॉर्च्यूनर है, यहाँ पे मुड़नी रोड़नी बहुत मुश्किल हो जाएगी, रास्ता भी बहुत ही भीड़ा भाड़ा है। तो गाड़ी यहीं पे खड़ी करके हम ऑटो रिक्शा लेके जाते हैं, 5 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक शॉप है वो कह रहे डेफिनेटली आपको राउटर तो मिल ही जाएगा, हो सकता है सिम भी मिल जाए, हमने बात किया भैया से। तो चलो देखते हैं जो भी होता है। आदते ये नहीं आदते तुम जो आए हो लाए हो। भाई अभी हम पहुंचे हैं भैया लेके आए, भैया कौन सी जगह, करानगर पहुंचे हैं भाई जियो की सिम लेने। भैया गए अभी अंदर, देखो अगर ये हॉटस्पॉट का पंगा ना होता ना, अगर एप्पल टू एप्पल 5 मिनट का पंगा ना होता, आपको पता है हॉटस्पॉट आजकल 5 मिनट ही चलता सिर्फ, अगर 5 मिनट से ज़्यादा भी चलता होता ना, आधे घंटे का भी होता तो हमारा काम हो जाता, वो सिर्फ हॉटस्पॉट ऑन करो 5 मिनट में बंद हो जाता है। तो इसलिए यार वो राउटर लेना बहुत ज़रूरी है। और भैया को हमने बोल दिया, मैंने कहा जहाँ से मैं उठाया ना वहीं पे छोड़ देना, भैया आ रहा हूँ मैं। यार बहुत हेल्पफुल बंदे हैं यहाँ पे, एक आंटी मिली थी उन्होंने हमें बिल्कुल ही बहुत ईजी रास्ता बताया। भाई ये ले लिया जियो का, अब कोई दिक्कत नहीं अब चलता रहेगा। ऑटो वाले भाई को खड़ा के रखा था, बोल गया था भाई 20 मिनट तो लगेंगे। आगे भाई आगे 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 खोल दिया आगे पहले घुस जाओ अंदर। चलो भैया भाई पहुंचे, धन्यवाद। प्रक्रिया में हमें टाइम लगा 1 घंटा, 1 घंटा लगा सिम लेने में। अब देखो आगे का क्या प्लान करते हैं, अंधेरा भी हो गया, ठंड बढ़ चुकी है। और यहाँ से पूछा है इन लोगों से लोकल से, वो कह रहे हैं कि ना यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ी इसलिए ठंड ज्यादा है, बर्फ पड़ जाती तो कम होती है ठंड। हम सिम लेके आ गए थे, शॉप के सामने खड़े थे, पंगा बढ़ गया। अब मैं बताता हूँ क्या पंगा बढ़ गया, देखो बोनट खोल दिया गाड़ी का, ये गाड़ी की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती हमारी है, मैं बता दूंगा। भैया को बुलाया, एक भैया को, वो आए हैं गाड़ी लेके अपनी, मारो सलाम करो करो भैया। होगी भाई होगी 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 भाई, भैया ने धन्यवाद भाई जान, आप आ गए नहीं तो हम खड़े रहते।
भैया ने भी देर ही लगाई, आपने 10 मिनट में आ गए हो आप, बस हेल्प कर दी भैया, बिल्कुल टाइम पे कर दी, 10 मिनट में आ गए भाई। लोग भी आ गए थे यहाँ पे जो पास में रहते हैं ना, वो भी आ गए थे, बहुत हेल्पफुल बंदे हैं यार। मतलब सामने ना घर पे बंदे रहते हैं, वो कह रहे हम काफ़ी देर से देख रहे थे अपनी गाड़ी, हमने बोनट खोल दिया था, पहले तो बोनट नहीं खोला था, फिर बोनट खोल दिया था, वो दौड़ के आ गए, जैसे भैया आए ना वैसे बंदे भी आ गए, बहुत हेल्पफुल बंदे हैं यार, बहुत अच्छा लगा यार सच में। तो मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या। तो भाई अब मैं बताता हूँ आपको एक्चुअली हुआ क्या। दिक्कत पता क्या होगी थी, मैं और भैया चले गए सिम लेने के लिए, भाई ने बताया उस दुकान वाले जियो वाले भाई ने कि भाई आपको एक दूसरी शॉप है 5 किलोमीटर पीछे, वहाँ पे जाके आप जाओ, आपको राउटर भी मिल जाएगा, सिम भी आपको दे देंगे और पोस्टपेड देंगे, ये उन्होंने बताया था। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा काम तो चलेगा एटलीस्ट, मतलब कुछ भी है, वीडियो अगर हम बाहर हैं नेट तो चलने जोगा होगा, कुछ भी होगा तो है ठीक है। तो मेरा जो छोटा भाई है वो बैठा था गाड़ी में, हमने गाड़ी ऑन करके बंद, हमने कहा लॉक कर लियो, हमने वहीं पर छोड़ दिया था, CRF आगे खड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं है, बोल के गए थे सबको कि कोई दिक्कत नहीं है आप चले जाओ। तो यहाँ से होता है ट्विस्ट स्टार्ट, हमें पूरा 1 घंटा लगा, हमने बीच में मेरे भाई को फ़ोन भी किया, मैंने कहा ठीक है भाई सब कुछ ठीक है ओके। तो भाई ने थोड़ा ज़्यादा एक्चुअली फ़ायदा ही सोचा हमारे लिए, तो उसने क्या किया गाड़ी ऑफ कर दी, लेकिन जो लाइटें थी ना आगे की हेडलाइट्स वो जली हुई थी, और बिल्कुल हेडलाइट तो जली हुई थी और जो मतलब बीच में चार्ज वगैरह करते वो भी ऑन था, बीच में लगा के वो भी चार्ज कर रहा था बैटरी से, सिर्फ गाड़ी ऑफ थी और सब कुछ ऑन चल रहा था। हम जैसे ही आए गाड़ी में सेल्फ मारी, बज गया बैंड, उन्होंने कहा लो कर लो, क्यों भांडा हम नहीं कुछ होता, और रात का टाइम, मैं कहा भाई अब क्या होगा, और फटाफट हमने ऑनलाइन नंबर निकाला, एक भाई को फ़ोन किया, तो आपने देखा ही है भाई आया फटाफट, एक ही सेल्फ में स्टार्ट होगी, तो मतलब बच गए यार जैसे भी हो रहा, और बच गए। तो ये हुआ आज का यार, बट दिन अच्छा निकला। हम मेरा था कि आज हम श्रीनगर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन श्रीनगर से बहुत आगे आ गया, हम सोनमार्ग गए आगे, सोनमार्ग से बस पीछे ही है 35 किलोमीटर पीछे स्टे किया हमने, जहाँ पे भी रास्ता मिला ना वहीं पे स्टे कर दिया। एक और दिक्कत हो गई है, जैसे वो हेडलाइट जली रहेगी ना, जो हाई बीम वाली लाइट है ना वो शॉर्ट हो गई है। तो भाई दिक्कत उसमें गाड़ी की कोई गलती नहीं है, गाड़ी हमारी गलती है, भाई की गलती है, गलती नहीं है यार, उसने हमारा अच्छा ही सोचा ठीक है। अब मेरे को क्या पता कि बैटरी पे, अरे यार चल कोई बात नहीं ब्रो, इट्स ओके, होता है और ठीक तो होगी। अब हम छोटे को भी क्या बोले यार, बट ठीक होगी, मेरे को लगा था आधा घंटा लगेगा, लेकिन नहीं 10-15 मिनट में ठीक होगी थी गाड़ी। ये इसमें भी कुछ अच्छा होगा यार, समझ रहे हो ना, कभी बुराई नहीं करनी, ठीक है यार चलता है। अब अगर बैटरी नहीं डेड होती तो हम जाते सीधा सोनमार्ग, हाँ। बीच का रास्ता हम कैसे देखते फिर अंधेरे में, ये भी बात है भाई, हम सोनमार्ग फायदा करवा दिया भाई ने। तो हम यहाँ पे रुके, यहाँ के 35 किलोमीटर पीछे, तो यार ठीक है घर से निकले हैं यार, तो ऐसा नहीं है कि तकलीफ नहीं आएगी, तकलीफ तो आएगी। तो ये भी मतलब होटल है भी, ये देखो आप ऐसा, इसका मैं रूम टूर कल दूंगा, कल सुबह दूंगा, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन के लिए करते रहना, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बाकी सफर जारी है ठीक है। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्ण। छोड़े से ना अब छूटेंगी कभी।